हम लोगों की इच्छा थी मदरसों के स्थिति सुधार का परिणाम करते ही नहीं, तो ये हम लोगों ने एक सुझाव दिया था, तो आज देखने आए हैं तो अच्छा है, कम से कम इनका और विस्तार भी करवाएंगे वो अलग बात है, लेकिन अब जितना चीज अब सबका देख लीजिए, जो सब चीज बता रही है जान रही है, तो नए बच्चे और बच्चियों को जितना बात बताएगी तो एक एक बात को जानेंगे ना, तो नई जानकारी सबको होगी। तो हम लोग तो वही जानते थे कि जो भी हो इसको एक एक चीज की जानकारी मिले, खाली आप जो पढ़ाते हैं उतना भर नहीं बल्कि पूरी चीज के बारे में इसको जानकारी मिले। इस बार की जो हमारी यात्रा तो मेरे चैनल पे तो ये हमारी यात्रा, तो उसमें तो जानबूझ करके हम देखना ही चाहते हैं ना कि जितने चीजों के लिए शुरू किया है उसकी उसका प्रोग्रेस क्या है, और उसके बाद ये भी देखना है कि इसके अलावे और क्या करना है हर चीज में। तो हम मदरसा का भी काम शुरू करवाए, अब तो मालूम है कि पहले मदरसा किसी को मिलता था तक, तो हम लोगों ने तो सब कुछ किया और कहा कि मदरसा की भी स्थिति करेंगे उनका, जहाँ पर भी उसको आगे और बढ़ाना होगा। अब पढ़ाई का जैसे जो पढ़ाते थे जितना, उससे ज्यादा और सब चीज भी पढ़ाएं, साइंस के बारे में, एक चीज के बारे में, हाँ तो हर चीज के बारे में जो बताया गया तो उसी हिसाब से कर रहे थे, आज हमको अच्छा लगा। अब इसका ये लोग चाहते हैं कि मदरसा को आगे बढ़ा करके एक्सपेंशन करने के लिए तो भी करवा देंगे, चाहते हैं कि डिग्री कॉलेज की तरह इसको भी हाँ कर देंगे, वही तो कभी एक्सपेंशन वही डिग्री वो कर देंगे। तो हमने सुझाव दिया, बगल में इनका जमीन भी है तो हमने कह दिया किसी का ऊपर करके एक्सटेंशन, पढ़ाई वाला इधर करिए और बैठने उसमें रहने के लिए हॉस्टल टाइप का बगल में कर देंगे, तो एक तरह से बड़ा अच्छा हो जाएगा। चलिए भाई देखिए, जब कोई काम हो रहा है ना तो उसको देखना जरूरी है, अब कहीं कोई चीज की कमी रह गई तो उसके बारे में जानना था कि उसको भी पूरा कर दिया जाए, यही तो मेरा मकसद ही है और कुछ नहीं। हम लोगों की इच्छा थी मदरसों की स्थिति सुधार का परिणाम करते ही नहीं, तो ये हम लोगों ने एक सुझाव दिया था, तो आज देखने आए हैं तो अच्छा है, कम से कम इनका और विस्तार भी करवाएंगे वो अलग बात है, लेकिन अब जितना चीज अब सबका देख लीजिए, जो सब चीज बता रही है जान रही है, तो नए बच्चे और बच्चियों को जितना बात बताएगी तो एक एक बात को जानेंगे ना, तो नई जानकारी सबको होगी। तो हम लोग तो वही जानते थे कि जो भी हो इसको एक एक चीज की जानकारी मिले, खाली आप जो पढ़ाते हैं उतना भर नहीं बल्कि पूरी चीज के बारे में उसको जानकारी मिले। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।